हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। सभी नीट 2021 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ बेटा, ठीक है। एंड स्पेशली वो बच्चे जो अभी 10 से 15 मार्क्स से बड़े परेशान हो रहे हैं कि अगर मेरे 10 15 नंबर बढ़ जाते या मेरे 10 15 नंबर और होते तो मैं एक अच्छी गवर्नमेंट MBBS सीट प्राप्त कर सकता था। तो बेटा इस वीडियो को अच्छे से समझो और आपको काफ़ी खुशी होगी। देखिए, पूरे इंडिया में कहीं पर भी अगर कॉलेज न्यू कॉलेज आता है तो कुछ सीट्स आती हैं जिसमें पूरे मतलब सभी का फायदा होता है, एंड उस स्टेट के जो बच्चे हैं उनका थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होता है, फायदा होता है। तो इस साल काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको MBBS में MBBS अप्रूव्ड हो रहा है ना। काफ़ी सारे कॉलेजेस, न्यू कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, हर साल होते हैं, है ना। इस साल भी काफ़ी सारे कॉलेजेस आ रहे हैं। तो अभी मैं डाटा बना रहा था तो इस वीडियो में तो मैं सिर्फ यूपी के बारे में ही बताने वाला हूँ, बट इससे भी हर एक नीट के एस्पिरेंट को फायदा होने वाला है। यूपी के बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा फायदा होगा, बट सभी को फायदा होगा ओवरऑल। इस ईयर 2021 में 7 ऐसे कॉलेजेस हैं, जैसा आपने थंबनेल में भी देखा होगा, जिनको अप्रूवल मिल चुका है इस बार MBBS उन कॉलेज में होगा। 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको हमने जैसे लास्ट टाइम भी देखा था, जैसे ऐसे काउंसलिंग बढ़ती रहती है, सेकेंड राउंड आता है तो और कॉलेजेस ऐड होते जाते हैं। तो 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जो रेडी हो चुके हैं, बस उनका अप्रूव होना बाकी है। तो हो सकता है वो भी आने वाले टाइम में वो दोनों कॉलेजेस भी अप्रूव हो जाएं। तो टोटल 9 कॉलेजेस यूपी में इस बार हैं जो न्यू हैं, जहाँ पर MBBS की सीट्स अब आपके लिए और बढ़ गई हैं, है ना। तो पहले नहीं थे वो कॉलेजेस, अब न्यू न्यू कॉलेजेस हैं 9 यूपी में, जहां पर इस बार MBBS में एडमिशन होगा। तो एक कॉलेज में आप समझ लो मिनिमम 100 सीट्स होती हैं। तो 9 कॉलेजेस का मतलब समझ लो 900 सीट्स आपके लिए इंक्रीज हो गई। तो ये तो बहुत बड़ी न्यूज हो गई, 900 कॉलेजेस फ्रॉम वन स्टेट। तो अभी तुम समझ लो बेटा कि इंडिया में कितने सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो आने वाले हैं इसी साल 2021 में। तो कितने सारी सीट्स बढ़ने वाली है ना। और इसका कट ऑफ पे भी पक्का अफेक्ट हो गई होगा। सो 10 to 15 to 20 मार्क्स मैं समझता हूँ इस पे कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा, 10 से 15 नंबर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो समझ लो अगर जो 600 पे होता था जनरल कैटेगरी अगर यूपी में, तो आप समझ लो वो थोड़ा सा 595-585 तक आपको MBBS कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा डाटा बता देता हूँ। 2017-18 वाला जो ईयर था, इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस जो ऐड हुए थे वो थे 9 और प्राइवेट कॉलेजेस ऐड हुए थे 5। 2018-19 में गवर्नमेंट कॉलेज थे 16 जो न्यू ऐड हुए थे और प्राइवेट कॉलेज ऐड हुए थे 5। और 2019-20 में लास्ट ईयर 24 गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐड हुए थे और प्राइवेट कॉलेजेस ऐड हुए थे 13। तो अभी जो मैंने 9 बताए हैं आपको, ये यूपी के सिर्फ एक ही स्टेट के हो गए, तो है ना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के और भी कॉलेजेस हैं, है ना। तो सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिला के जब भी मैं देख रहा था ऑलमोस्ट 27, 26 या 28 के आसपास बैठेंगे टोटल, ठीक है। अभी मैंने टोटल नहीं किया, तो न्यू वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टोटल कितने कॉलेजेस हैं ऐसे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और जो इस बार ऐड होने वाले हैं काउंसलिंग में, 2021 की काउंसलिंग में। तो आपको कितना बेनिफिट होगा उनसे, बहुत बेनिफिट होगा। एकदम से 2500-3000 सीट अगर बढ़ जाएंगी तो आप समझ लो कि कट ऑफ पे कितना भारी फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने देख लिया बेटा इस कोरोना टाइम में WHO का कितना प्रेशर है कि वी वॉन्ट मोर कॉलेजेस, है ना। इंडिया में ज़्यादा कॉलेजेस और होने चाहिए, क्योंकि कॉलेजेस कम होने की वजह से ही कट ऑफ इतना हाई है। एक बच्चा जो 550-540 स्कोर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज है तभी इतना मार्क्स आ रहा है उसका। क्योंकि कॉलेजेस कम है इसलिए कट ऑफ हाई है, ठीक है। और भी रीजंस हैं आपको पता है। तो कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, सीट्स बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो बढ़ रहे हैं, प्लस प्राइवेट कॉलेजेस भी बढ़ेंगे। तो दोनों मिला के एक अच्छा नंबर है जो कॉलेजेस इस बार इंक्रीज हो रहे हैं 2021 में, एंड काफ़ी सारी सीट्स भी इंक्रीज हो रही हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपको एक कट ऑफ में भी इसका फर्क देखने को मिलेगा और ड्रीम कॉलेज आपका जो है आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। और जिन बच्चों को थोड़ा ये था कि मेरा 10-15 नंबर का गैप आ रहा है जिसकी वजह से मुझे ईयर ड्रॉप करना पड़ सकता है या पता नहीं एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो बेटा आपके लिए एक पॉजिटिव होप है ये कि आपको एडमिशन मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे इस साल, ठीक है। तो और भी कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी, अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बच्चों को बता सकता हूँ और बाकी बच्चों की भी हेल्प होगी। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आई विल ऑल्सो ऐड इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो बेटा ये 9 कॉलेजेस हैं
जो अप्रूव हो चुके हैं, 900 सीट्स आपकी इंक्रीज हो चुकी हैं यूपी में, तो इसका बेनिफिट हर एक एस्पिरेंट को होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र में इस बार 4 कॉलेजेस ऐड होने वाले हैं, 4 न्यू कॉलेजेस, मतलब 400 सीट्स तो मिनिमम इंक्रीज होने ही वाली है। 3 कॉलेज प्लस 1 हॉस्पिटल था जिसको कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया, उसके साथ अटैच कर दिया गया, तो 4 कॉलेजेस इस बार ऐड होने वाले हैं, तो 400 सीट्स तो डायरेक्ट महाराष्ट्र में ऐसे ही बढ़ जाएंगी। तो इसका बहुत फायदा होने वाला है आपको आने वाले टाइम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट आपको मिलते रहे। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सभी बच्चों तक सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे पहुंचनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहें। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी, थैंक यू बच्चों।